हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में आपका स्वागत करता हूँ। जीके और जीएस के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। सीरीज का 6 पार्ट है। अगर आपने 5 पार्ट तक नहीं देखा है तो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये 6 5 पार्ट तक आपको सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं 2000 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं 2000 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। 2000 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इस सीरीज में एक मेरी और सीरीज चलती है जो चलती है चैंपियंस ऑफ जीके की। ठीक है, तो चैंपियंस ऑफ जीके में मैंने 500+ क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, 500+ क्वेश्चन इंक्लूड किए, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं और भी वहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब वो जो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी अगर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने आंसर रहेंगे, या तो उनसे रिलेटेड मैं ऑप्शन वहां पे आपको बताऊंगा, या कोई वो जो क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड मैं वहां पे और भी आंसर वहां पे बताता हूँ, या और भी क्वेश्चन बताता हूँ कि और इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो बताता हूँ किसमें, चैंपियंस ऑफ जीके की सीरीज में। ठीक है, और यहाँ पे जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, यहाँ पे मैंने 2000 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। इस सीरीज में मैंने 2000 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं और ये केवल वन लाइनर है। ठीक है, ये केवल वन लाइनर है, मतलब डायरेक्टली इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और उसमें कम क्वेश्चन, मतलब चैंपियंस ऑफ जीके मेरे कम क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। चैंपियंस ऑफ जीके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सीरीज का ये 6 पार्ट है। 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो 5 पार्ट तक आपको देखने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सेशन स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक अपने शेयर करिए जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ। सेशन की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव चुनाव नियुक्ति की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, क्या है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कौन सी गैस यूज की जाती है, वो की जाती है आपके फ्रियान, कौन सी गैस यूज की जाती है, याद रखिएगा, फ्रियान यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने कि असमिया, ठीक है, असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक, प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, कौन थे, वो थे आपके आत्माराम शर्मा। ठीक है, कौन थे आपके आत्माराम शर्मा थे। ठीक है, याद रखिएगा, कौन थे आपके आत्माराम शर्मा थे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर आपके स्क्रीन सामने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वे थे आपके वाई वी चौहान। ठीक है, कौन थे आपके वाई बी चौहान थे। ठीक है, याद रखिएगा, कौन थे आपके वाई बी चौहान थे। नेक्स्ट, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बनाया गया है आपका सतलज नदी पे। ठीक है, याद रखिएगा, किस नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ, इसका जो आंसर बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं उस चीज़ का आंसर बता देता हूँ, डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है, वो आपका सतलज नदी में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि कौन सा सिंधु सभ्यता, मतलब कौन सी सिंधु सभ्यता है। ठीक है, कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, कौन सी सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है,
मतलब कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, वो है आपका हड़प्पा। ठीक है, कौन सा स्थान आपका सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो है आपका हड़प्पा। याद रखिए कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, वो है हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर जो दर्रा है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखिए खैबर दर्रा कहाँ स्थित है आपका, खैबर दर्रा आप कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, खैबर जो दर्रा है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है आपका खैबर दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है, देखिए यह नदी प्रायद्वीपी पठार से, मतलब कौन सी, ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, याद रखिए कौन सी नदी प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती है, ठीक है, वो है आपकी यमुना। ठीक है, यमुना नदी आपकी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, याद रखिए कौन सी नदी है आपकी, यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट नंबर नाइन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, देखिए रूस में साइबेरियन दुनिया भर किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूस का जो साइबेरियन है, ठीक है, याद रखिएगा रूस का जो साइबेरियन है आपका, ठीक है, रूस का जो साइबेरियन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूस का जो साइबेरियन है दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है, इसकी अत्यधिक ठंड कि जल ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है का रूस का साइबेरियन, ठीक है, रूस का जो साइबेरियन है, रूस का जो साइबेरियन है वो दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है, वो ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है क्या रूस में जो साइबेरियन, ठीक है, रूस का जो साइबेरियन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट टेन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने कि किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। ठीक है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, ये पूछ रहा है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, वो है आपका ताले बनाने के लिए। ठीक है, लॉक, ठीक है, लॉक बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए मशहूर है। ठीक है, आपका अलीगढ़ जो मशहूर है किसके लिए मशहूर है, वो आपका ताले बनाने के लिए मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम मतलब पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, ठीक है, वो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहां स्थित है आपका, आंध्र प्रदेश में, याद रखिए कहां स्थित है आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, जवाब दीजिएगा, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां स्थित है। याद रखिएगा भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, वर्क्स भारत में कहां स्थित है, मतलब कारखाना कहां स्थित है, वो है आपका वाराणसी में। याद रखिए कहां स्थित है आपका, वाराणसी में। ठीक है, कहां स्थित है आपका, वाराणसी में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, बैसाखी का जो त्यौहार है, ठीक है, बैसाखी का जो त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि बैसाखी का जो त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, किस धर्म के लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं सिख धर्म के लोग। याद रखिए कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं, बैसाखी का जो त्यौहार होता है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है। ठीक है, मणिपुर की जो राजधानी है, कैपिटल है, मणिपुर की जो कैपिटल है वो कौन सी है। ठीक है, पूछ रहा है कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है, वो है आपका इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है आपकी, इम्फाल। याद रखिएगा कौन सी राजधानी है आपकी, इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि यह एक ऐसा शहर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा के तट में बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा गंगा के तट में कौन सा शहर बसा हुआ है, वो है आपका कानपुर। ठीक है, याद रखिए कौन सा शहर बसा हुआ है आपका, कानपुर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिए कौन सा, कानपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यह देखिए, यह शहर, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, यह शहर अंगूर की पैदावार, ठीक है, अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका कौन सा, नासिक। याद रखिए कौन सा शहर स्थित है, वो है आपका नासिक। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, देखिए कोयना बांध, ठीक है, कौन सा बांध, कौन सा बांध है, देखिए कोयना बांध किस, कहां पर कोयना बांध जो है कहां पर स्थित है। ठीक है, कोयना जो बांध है वो कहां पर स्थित है, वो है आपका कहां, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां स्थित है आपका, महाराष्ट्र में। याद रखिए कहां स्थित है आपका, महाराष्ट्र में।
ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके इसके सामने है कि हिमानी ग्लेशियर वर्ब एक बहुत विशाल पिंड है जो कि, ठीक है याद रखिएगा, हिमानी हिमानी ग्लेशियर, ठीक है हिमानी मतलब आपका ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि कहाँ है, ठीक है जो कि कहाँ है आपका, देखिए हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है जो कि, ठीक है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों में छाया रहता है। हिमानी ग्लेशियर बहुत ही विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है क्या रहता है, हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था, ठीक है ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था बाबर युद्ध कब लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है पानीपत का जो युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके इसके सामने है कि यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, ठीक है यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, वो था आपका अकबर, कौन था आपका अकबर था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, ठीक है याद रखिए कौन सी जो नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है वो कौन सी नदी है आपकी गोदावरी, ठीक है कौन सी नदी है आपकी गोदावरी, याद रखिए कौन सी नदी है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि प्लासी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था, ठीक है प्लासी का जो युद्ध था कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था आपका 1757 ईस्वी में, ठीक है कब लड़ा गया था आपका 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है 1857 की क्रांति, ठीक है 1857 की जो क्रांति हुई थी विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 1857 ईस्वी में विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, ग्वालियर में विद्रोह किया था वो किया था तात्या टोपे के सहयोग से, ठीक है किसके सहयोग से किया था, तात्या टोपे के सहयोग से उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है कब किया था 1857 में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने बहुत ही सुंदर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, ठीक है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, वो हुई थी आपकी रंगून में, ठीक है याद रखिए कहां हुई थी रंगून में, ठीक है कहां हुई थी आपकी रंगून में, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी अंतिम मुगल शासक था कि कौन था, बहादुर शाह जफर, क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था और उनकी मृत्यु कहां हुई थी, वो हुई थी आपकी रंगून में, याद रखिए कहां हुई थी रंगून में हुई थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है आपके एओ ह्यूम है, ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो है आपके एओ ह्यूम है, ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके एओ ह्यूम थे, ठीक है याद रखिए कौन थे आपके एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है स्वतंत्र भारत के, याद रखिए किसने स्वतंत्र भारत के, कंफ्यूजन हो जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इनमें कंफ्यूजन बना रहता है स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है स्वतंत्र भारत के या प्रथम, ठीक है प्रथम गवर्नर जनरल, इनमें दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तो यहां पे क्या लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है कौन थे आपके सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि प्रार्थना समाज जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ठीक है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, वो की थी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है आत्माराम पांडुरंग है, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश किस एक दूसरे का राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है याद रखिएगा
रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश, ठीक है, किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है, वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है, वो याद, किस देश से आप याद रखिएगा, बांग्लादेश सीधा, ठीक है, किस एक देश से, किस एक देश से मतलब एक बांग्लादेश, ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि हीटर के तार में, हीटर जो होता है, हीटर, ठीक है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, ठीक है, हीटर के जो तार होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है, हीटर के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, याद रखिए किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली असम के किस जिले में स्थित है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात कर रहा हूं मैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली असम के किस जिले में स्थित है, ठीक है, असम के किस जिले में स्थित है, वो है आपका पातालपुरी में, ठीक है, किस जिले में स्थित है आपका, पातालपुरी में, याद रखिए कहां स्थित है आपका, पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम किस में होती है, ठीक है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम किस में होती है, ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम होती है आपकी स्टील में, याद रखिए किस में होती है, स्टील में, ध्वनि की जो अधिकतम जो चाल होती है वो होती है कहां आपकी, स्टील में, याद रखिए किस में होती है, स्टील में। तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करना ना भूले, ठीक है, सेशन अगर पसंद नहीं आता है, कुछ कंटेंट्स आपको मिस्टेक लगते हैं या कुछ आपको डिस्टर्ब लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सेशन पे अगर आप नए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे ही क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है, ठीक है। मेरी कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही है, कंप्यूटर सुपर सीरीज कंप्यूटर की मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो उस सीरीज को भी देखना ना भूलिएगा, कंप्यूटर की सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश जीके भी चला रहा हूँ, ठीक है, चैंपियंस ऑफ जीके भी चला रहा हूँ, रीजनिंग भी चला रहा हूँ, ठीक है, और समय नहीं मिल पाने के कारण से मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, समय की कमी होने के कारण मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए कभी ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं बनाता हूँ, कोशिश यही रहती है कि मैं जल्द से जल्द अगली वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो सेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, ठीक है, भविष्य की जो धातु है किसे कहा जाता है, ठीक है, भविष्य की मतलब भविष्य में जो धातु है वो किसे, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका टाइटेनियम को, ठीक है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, ठीक है, भविष्य की जो धातु है वो किसको कहा जाता है, आपका टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा तत्व जो है, कौन सा एलिमेंट्स है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वो है आपका सल्फर, ठीक है, याद रखिए कौन सा तत्व है आपका सल्फर, ठीक है, तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ठीक है, दिल्ली की जो सुल्तान रजिया, ठीक है, सुल्तान किसकी पुत्री थी, ठीक है, दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया वो किसकी पुत्री थी, ठीक है, किसकी पुत्री थी, वो थी आपकी शम्स उद दिन इल्तुमिस की पुत्री थी, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली की जो सुल्तान रजिया थी, ठीक है, दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया वो किसकी पुत्री थी, वो थी आपकी शम्स उद दिन इल्तुमिस की पुत्री थी, ठीक है, याद रखिएगा शम्स उद दिन इल्तुमिस की पुत्री थी, कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है, दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, शम्स उद दिन इल्तुमिस की पुत्री थी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि मंदिरों की पुण्य भूमि, ठीक है, याद रखिएगा मंदिरों की जो पुण्य भूमि है, ठीक है, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है भारत के किस राज्य में को कहा जाता है, ठीक है, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है किस राज्य को कहा जाता है, भारत के किस राज्य को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके तमिलनाडु को, ठीक है, किसको कहा जाता है आपके तमिलनाडु को, याद रखिए किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को, ठीक है, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, देखिए रेशम के कीड़े
का भोज्य पदार्थ क्या है, ठीक है। रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है वो है आपका सहतूत की पत्ती, ठीक है। क्या है आपका, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है, सहतूत की पत्ती होती है, ठीक है। रेशम का जो कीड़ा होता है, ठीक है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका भोज्य जो पदार्थ होता है वो होता है आपका सहतूत की पत्ती, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि किस शासक ने ग्रांड टैंक रोड का निर्माण करवाया था, वो तो करवाया था आपके शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने करवाया था आपका, शेरशाह सूरी ने, ठीक है, याद रखें किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रांड टैंक रोड का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि देखिए वायुमंडल दाब मापने का जो पैमाना होता है वो आपका बैरोमीटर है, ठीक है। क्या है आपका, वायुमंडल दाब मापने की जो इकाई होती है वो होती है आपकी बैरोमीटर, याद रखें क्या, बैरोमीटर। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, ठीक है। अमीबा में, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अमीबा की बात कर रहा है, अमीबा में कुल कितने सेल, ठीक है, अमीबा में, अमीबा जो होता है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं, वो होती हैं आपकी एक, ठीक है, याद रखें कितनी होती हैं, एक होती हैं, ठीक है। अमीबा में जो सेल कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं कितनी, एक होती हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, वो है आपका चंद्रमा, ठीक है, याद रखें क्या है, चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, कौन सा आंदोलन, भूदान, ठीक है, याद रखें कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, वो किया था आपका विनोदा भावे ने, ठीक है, किसने किया था, विनोदा भावे ने, याद रखें किसने किया था, विनोदा भावे ने, भूदान आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था विनोदा भावे ने। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दीजिएगा प्यारे साथियों जवाब दीजिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, ठीक है। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी, ठीक है, इंग्लिश जो स्टार्ट की गई थी, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की गई थी वो किसने शुरू किया था, वो किया था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की थी सबसे पहले वो की थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि नींबू और फंतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है, नींबू और फंतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या, सुक्रोज, ठीक है, क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, ठीक है, भारतीय जो फिल्म थी हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है, वो है आपके दादा साहब फाल्के, ठीक है। भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है, वो है आपके दादा साहब फाल्के, याद रखे कौन है, दादा साहब फाल्के। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है, वो है आपके दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, ठीक है, सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, वो होता है आपका
जिला पार्षद, ठीक है, क्या होता है आपका जिला पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्या है आंसर, जिला पार्षद है, ठीक है, क्या है, जिला पार्षद। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, वो लिखी थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने लिखी, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है, नोबल पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, याद रखिएगा ये शब्द याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर, कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, ठीक है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, वो है आपका श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है, क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, श्रेष्ठ गुरुओं के लिए दिया जाता है और प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है, ट्रेनर के लिए दिया जाता है, ट्रेनर के लिए, प्रशिक्षक के लिए और श्रेष्ठ गुरुओं के लिए दिया जाता है, क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद रखिए किसके लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, 50 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, वो है आपका कहाँ, देहरादून में, ठीक है, याद रखिए कहाँ आपका स्थित है, देहरादून में, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है आपका, देहरादून में, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आता है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। और MPPSC आ गई है, MPPSC में जिसको भी फॉर्म भरना है वो भर सकता है, ठीक है, लास्ट डेट 23 दिसंबर लास्ट डेट है MPPSC की, तो वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मेरी MPPSC के नॉलेज में भी रखी गई है, जो अपनी तैयारी को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आता तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।